वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तजमान रीना एंड शुरू करते हैं मैं आज का रिएक्शन भी। आज मैं रिएक्ट करूंगी केसरी लाल का बेस्ट कॉमेडी सीन है एंड ये सीन है बिग बॉस का, यानी कि बिग बॉस में केसरी जी जब अटेंड किया था तो वहां पे बहुत सारा कॉमेडी सीन भी है, तो उसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रही हूँ। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और मजा लेना, और क्या बोलते हैं, पसंद है तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस लेट्स गेट वेलकम बैक टू मॉर्निंग चाय विद देवोलीना, स्पॉन्सर्ड बाय बीचेस वेयर पाउडर, को स्पॉन्सर्ड बाय देवोलीना। हाय पब्लिक, हाय पब्लिक, गुड मॉर्निंग, गुड सुपर गुड लग रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताइए, अच्छा कैसे जी का इंटरव्यू ले रहे हैं जी? दिस इज केसरिया और केसरिया नहीं, केसरिया खेसरी, खेसारी, खेसारी, अच्छा अच्छा खेसर, खेसारी का मतलब दाल, जैसे पेट खराब हो जाए। क्या बात है, तो आप यहाँ पे सबके पेट खराब कर रहे हैं? नहीं हम खाने खिलाने खुद को थोड़ी हैं, हम तो बस काम करने आए हैं। तो आप हमने देखा है, सबने देखा है कि आप बहुत प्यार से सबको नाश्ता बना के खिलाते हैं। नहीं लेकिन उसमें दाल थोड़ी बनाते हैं, ऊपर खाली नाश्ता बनाते हैं, दाल ना थोड़ी बनाते हैं। दाल बनाए तो उसमें प्रॉब्लम है, दाल जब तक नहीं बनाए प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा मेरे दिमाग का लिक्विड जाता है दाल में। करियर की शुरुआत कैसे? करियर की शुरुआत मैं पहले भैंस चराता था, मेरे घर पे बहुत सारी भैंस रहती थी। करियर है वो भैंस, तो उस समय मेरे को मैंने गरीबी थी मेरी, धीरे धीरे मैं रामायण और महाभारत गाता था, तो फिर वहाँ भी 500-700 की वो मेरे शो होते थे, उससे ज़्यादा पैसे मिलते कहां नहीं पे, ये कहां पे? छपरा में मेरा पड़ता है, रसूलपुर चट्टी छपरा में। अच्छा प्रॉपर बिहार, प्रॉपर बिहार से हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, फिर अब कोई काम ही नहीं था तो क्या करेगा आदमी, फिर लिट्टी चोखा बेचता था मैं। अच्छा यहाँ बॉम्बे में? नहीं दिल्ली में, दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचा करता था, तो कम से कम 2 साल मैंने लिट्टी चोखा। तो आप बनाते थे, खुद बनाते थे? हाँ खुद बनाता था, और पापा और मैं बनाते थे और बेचते थे, जैसे 10 रुपए में 4 लिट्टी बेचते थे, तो वो दुकान था मेरा अपना, जो उसी में रहते थे, उसी में बेचते थे, उसी में सब कुछ था। स्ट्रगल, एक ही घर था, मैंने अब कितना बड़ा बताऊँ आपको, ये जो है ना इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, जो अंदर वाला जो सिटिंग एरिया है? हाँ सिटिंग एरिया से थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो उसी में अब धीरे धीरे उसी से 10-20 रुपये बचा बचा के कैसेट गाए, फ्लॉप भी हुआ, कई जगह स्ट्रगल किए, 3-3 दिन भूखे भी रहे। तो आप उतने वहाँ से मतलब आज यहाँ पे पहुँचे, तो ये जर्नी बहुत बहुत लंबी है आपके लिए, बहुत। मैं कितने स्टारों के घर पे तो नौकर भी रहा हूँ, बहुत सारे भोजपुरी स्टारों के घर पे मैं नौकर भी रहा हूँ। भोजपुरी स्टार पे के घर पे नौकर भी रहे हैं, वाह। सो आप मैरिड हैं? बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे। एक नाम पूछ सकता हूँ? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। लव कभी हुआ है पहले? उम्र जैसे 17 बरस हुआ तब तक तो लव करने का मौका नहीं मिला। अब कर लो ना, 17 हो गया, अब कर लो लव, तो लव करने का तभी मौका। तो मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा अपनी वाइफ से ही सीखा, जो भी सीखा वाइफ से ही सीखा हुआ, बड़ी बात है। आपको कुछ नहीं आता था? कुछ कुछ मैंने जो सीखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था एंड सब कॉमेडी वाला वीडियो था, कैसे जी का हर भाग बहुत ही मजाक था, मजाक नहीं एंजॉय किया मैंने। सो कॉमेडी जैसा बात करते हैं कैसे जी, एंड कैसे जी का बात सुनकर जब भी सुनती हूँ मैं, मुझे गालों पे हंसना ही आते हैं यार। उस दिन बहुत ही अच्छा जाता है, मेरा हंसी निकलती ही नहीं मुँह से हर बार, बहुत ही अच्छा। कैसे जी यहाँ पे बोल रहे कि सब वाइफ से ही सीखा है, तो ये बहुत ही बढ़िया है कि बहुत जब 15-17 एज थे तभी केसर जी शादी किया, तो तब से लेकर स्ट्रगल बहुत किया है, यानी स्ट्रगल टाइम पे उसका यानी केसर जी का वाइफ भी उसको बहुत सपोर्ट किया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। एंड एक दिन क्या बोलते हैं, पहले में केसर जी बहुत स्ट्रगल किया इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए। सो हम सब लोगों को प्लीज स्ट्रगल करना है, ताकि हम सब लोग भी क्या बोलते हैं जिम, यानी कि इस तरीके से स्ट्रगल करोगे तो
आपको सक्सेस मिलेगा ही ऐसा ही। एंड कसे जी का बातें सुनकर ना बहुत मोटिवेशन मिलते हैं यार, सच में बहुत ही मोटिवेशन मिलते हैं। सो जो भी ये था मेरा आज का रिएक्शन, मेरी आती थी आप सब लोग मेरे साथ एंजॉय किया हो। अगर आप एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप कसे जी का बहुत बड़ा फैन हो। और साथ में एक ही बात बोलूंगी कि कैसा बिग बॉस में अटेंड किया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत सारा स्टार है, एक्टर है, हर हर देश में बहुत सारा एक्टर है, एक्ट्रेस है, पर कौन एक्टर एंड एक्ट्रेस इस बिग बॉस जैसे इतना बड़ा शो में जाते हैं यार, यही बहुत ही बढ़िया बात है। वहाँ पे सिर्फ जाते हैं सुपर स्टार, वहाँ पे सिर्फ जाते हैं यानी कि बिग स्टार जाते हैं। तो जो भी ये बहुत ही बढ़िया बात है कि बिग बॉस में ये सर जी अटेंड किया था एंड अभी तो अक्षरा सिंह भी अटेंड किया है। सो ये बहुत ही अच्छा लगा एंड ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया तो इसलिए मैं इसको वेरिएशन दे दिया। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कर दो। सो आज मैं चली जाती हूँ, फिर मिलेंगे नया एक वीडियो के साथ। सो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।